हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम लोग एक्सरसाइज 2.5 जो ऐच्छिक क्वेश्चन है चैप्टर 10 बहुपद चैप्टर पॉलिनोमियल चैप्टर का, उसका क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे। बहुत से बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर इस क्वेश्चन को बना दीजिए, तो आज हम लोग इस वीडियो में इस क्वेश्चन को हल करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न है, यदि बहुपद x पर पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 को x² माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए और शेषफल x प्लस a आता हो तो k तथा a ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग भाग शुरू करते हैं। कितना से भाग करेंगे? x² माइनस 2x प्लस k से भाग देंगे। इसमें x पर पावर 4 माइनस 6x³ चलिए भाग करने का बहुत आसान उपाय है। देखिए फर्स्ट आइटम क्या है, x पर पावर 4 यानी 4 बार x बटा x² यानी 2 बार x, क्रॉस कर देंगे तो क्या बचा? x² यहाँ x² लिखेंगे। अब x² से तीनों में गुना करेंगे, x² में इससे गुना करेंगे तो x का पावर 4 होगा, फिर x² में इससे गुना करेंगे तो -2x³, फिर k में उससे गुना करेंगे तो kx², अब जो है साइन चेंज करेंगे, यहाँ प्लस छिपा है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कट गया, ये माइनस ज़्यादा है, माइनस का चिन्ह 6 में से 2 गया, 4x³। ये देखिए ये 16 है, ये के है, नहीं घटेगा तो हम लिख सकते हैं प्लस 16 माइनस के, और x² कॉमन निकाल लिए, दोनों में x² है तो इसलिए x² कॉमन निकाल दिए, बाकी जो है जो बच रहा है उसको उतार लेंगे, -25x प्लस 10। इस बार हमको इतना ले आना है, कितना? -4x 3 बार बटा फर्स्ट आइटम बोलिए x 2 बार, 2x कट गया, -4x बचा, तो यहाँ -4x लिखेंगे, -4x से तीनों में गुणा करेंगे, माइनस प्लस माइनस 4x में x² से तो -4x³, फिर ये माइनस और ये माइनस गुणा होगा तो प्लस, 4 दुना 8x प्लस 8 और xx x² ठीक है, फिर k में उससे गुना करेंगे तो -4kx, साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट गया, 4 में से 4 गया, स्वाहा हो गया। अब देखिए ये अचर है और ये भी अचर है, इसको हटा सकते हैं, 16 में से 8 गया 8, और माइनस के का माइनस के बच गया और x² कॉमन निकाल दिए, ठीक है। अब देखेंगे इसमें ये आपका बचा कितना, -25 और +4, तो हम लिख सकते हैं इसको 4kx-25, ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले इसको भी लिख सकते हैं +4, ठीक है, k और उसके बाद -25 और इसमें x कॉमन निकला, कौन कॉमन निकला, 8 माइनस के ले आना है और x² है बटा इसका पहले का आइटम बोलिए x² x² से x² कट गया तो इस प्रकार प्लस 8 माइनस के, तो प्लस 8 माइनस के, ठीक है, इसको घेर भी सकते हैं, अब 8 में तो ये आपका हो जाएगा 8 माइनस के और x², फिर -2x में 8 माइनस के से तो यहाँ लिख देते हैं -2x ब्रैकेट में रहने दीजिए 8 माइनस के, बाद में इसको देखा जाएगा, ठीक है, और उसके बाद के से दोनों में गुना कर दीजिए, के से 8 में 8 के और फिर के से माइनस के में तो -k² साइन चेंज करेंगे, इसका प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये कट गया, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इस प्रकार हमारा शेषफल बचा कितना, ये तो कट गया, ये बचा आपका कितना 4k-25, 4k
माइनस 25, एक्स कॉमन निकाल देते हैं, प्लस इसमें एक्स अलग कॉमन निकाल दे, दो से गुना कर देंगे तो एक प्लस 2 है, प्लस 2 में 8 से 16, ठीक है, और फिर प्लस 2 में माइनस कैसे, तो माइनस 2k और x यहाँ लिखेंगे चाहे यहाँ लिखेंगे, कॉमन निकाल दिए हैं, ठीक है, और यहाँ बचा आपका प्लस, पहले k स्क्वायर को लिख देते हैं, k स्क्वायर फिर माइनस 8k और प्लस 10, ठीक है, तो ये हमारा शेषफल बच गया, क्योंकि इसके घात से इसका घात कम हो गया तो हम लोग भाग रोक देंगे, ठीक है, ये हमारा शेषफल अभी बच गया, ठीक है। चलिए, प्रश्न में दिया हुआ है कि शेषफल हमारा x प्लस ए आना चाहिए, कितना आना चाहिए, x प्लस ए, तो हमारा शेषफल आया है कितना, देखिए तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 4k x कॉमन निकाले हुए हैं, चलिए 4k में से 2k घट गया तो क्या बचा, 2k बचा, और माइनस 25 है और प्लस 16 है तो माइनस 9 बचा, और x कॉमन है तो कॉमन रहने दीजिए, ठीक है, और क्या बचा, प्लस k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 और बराबर ये शेषफल का मान जो दिया है x प्लस ए, ठीक है, तो दोनों तरफ गुणांकों, चरों और गुणांकों, चरों के गुणांकों की तुलना करने पर, तो हम देख सकते हैं ये जो x वाला आइटम है ये x के बराबर होगा, ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं 2k माइनस 9 इंटू एक्स बराबर, यहाँ इसका गुणांक क्या छुपा हुआ है, 1, तो 1x, x से x कट गया, ठीक है, तो बच गया हमारा 2k बराबर 1 माइनस 9, इधर आएगा तो 10 हो जाएगा, 1 प्लस 9 10 हो गया, ठीक है, ये कट गया 2 से, 2 पचे 10, k का वैल्यू कितना आया, 5 आया, k का वैल्यू कितना आया, 5 आया, अब हम इसको मिटकाते हैं, अभी हमको k का वैल्यू तो निकाल लिया, अभी a का वैल्यू निकालना है, तो अब देखेंगे a जो है, a ये इसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर, k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 के बराबर, x वाला x के बराबर हो गया और ये जो बच गया ये a के बराबर हो गया, ठीक है ना, वही लिखे हैं दोनों तरफ, दोनों तरफ चरों के गुणांकों की तुलना करने को, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 बराबर a, ठीक है, k का वैल्यू आया है कितना, 5, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 8, यहाँ गुना छुपा है गुना, k का वैल्यू 5 प्लस 10 बराबर a, इस प्रकार 25 माइनस 40 प्लस 10 बराबर a, तो ये आपका हो गया, देखिए 25 और 10 35, प्लस में प्लस जोड़ दिए और ये माइनस 40, तो इस प्रकार a का वैल्यू हो गया, माइनस ज्यादा है माइनस, 40 में से 35 गया 5, a बराबर माइनस 5 और k बराबर 5, यही हमारा आंसर हो गया।